सब कुछ स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। तो हमारा सेक्शन सिक्स था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इसमें ना, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट बॉक्सेस। If empty boxes are allowed, ठीक है, ये बताया था हमने आपको सेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट बॉक्सेस इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, इसको हम कैंडी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल कैंडीज, कैंडीज मतलब टॉफी जो होता है, इन आर डिफरेंट बॉक्सेस या आर डिफरेंट पर्संस भी बोल सकते हो आप इसको। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास पांच कैंडीज हैं, ठीक है, पांच कैंडी आपको तीन लोगों को बांटनी है, तो तीन लोगों को बांटनी है, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई पांच आइडेंटिकल चीजों को तीन डब्बों में डाल दो, बस तीन में डालने, मतलब इसका मतलब सारी के सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दी तीन बच्चों को और बाकी चार रिजेक्ट कर दी, रिजेक्शन का कोई केस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करनी ही करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो दो पार्टीशन डालेंगे, समझ रहे हो, आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो दो पार्टीशन डालेंगे। मान लो आपने पार्टीशन यहाँ डाल दिए, मान लो आपने पार्टीशन एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, ऐसे कर दिया। मान लो आपने ऐसा किया, सी सी पी सी सी, फिर पी पी और फिर सी आ गया, दो पार्टीशन डालेंगे, सॉरी पी और एक और सी आ गया। मान लो आपने ऐसे किया, सी 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 और पी पी लास्ट में डाल दिया। अब इसका क्या मतलब है, दो पार्टीशन जो आपने डाले, इसका क्या मतलब है कि भाई दो पार्टीशन आपके तीन सेक्शन बना देंगे। जैसे वो नहीं होता था नंबर लाइन पे आपने दो पॉइंट बनाए तो आपके तीन इंटरवल बनते थे, सेम वैसे ही है कि भाई अगर आपने दो पार्टीशन डाले हैं तो तीन इंटरवल बन जाएंगे। पार्टीशन जो है इंटरवल बना लो इसको ऐसे, या इसको पार्टीशन बना, मैं ऐसे बनाता हूँ देखो, तो आपको थोड़ा ज्यादा शायद अच्छा लगे। तो मान लो ऐसे ये पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, एक पार्टीशन है, यहाँ पे दो पार्टीशन है, ऐसा है। तो पार्टीशन बना लो या पी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्टीशन है, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई पहला जो डब्बा है उसमें जीरो ऑब्जेक्ट आए, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। दूसरा जो डब्बा है उसमें भी कितने ऑब्जेक्ट आए, जीरो आए। और तीसरा जो डब्बा है उसमें पांच की पांच जो कैंडी आ गई, समझ गए। अच्छा अब इधर देखो, पहले डब्बे में वन आया, दूसरे में टू आया और थ्री में भी टू आया, फिर पहले में टू आया, दूसरे में टू आया, वन आया, फिर फाइव आया, जीरो आया, जीरो आया। बात समझ आ रही है? तो ये करना है आपको, ये तो करना चाहते हो आप, ऐसे कितने केसेस बनेंगे वो आप करना चाहते हो। तो आप n आइडेंटिकल चीजों को r डिफरेंट बॉक्सेस में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जितने वेज से दो p और पांच c अरेंज होंगे, जितने वेज से दो p और पांच c अरेंज होंगे, उतने वेज से मैं पांच कैंडीज को तीन बच्चों में बांट पाऊंगा, जबकि वो पांच कैंडीज क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। तो पार्टीशन, आप बोलोगे पार्टीशन आइडेंटिकल क्यों ले रहे हो, भाई पार्टीशन का वैसा कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी है, पार्टीशन का तो सिग्निफिकेंस बस इतना है कि वो ये बता दे रहा है कि इससे आगे वाले डब्बे में कितनी चीजें होंगी, ठीक है। तो इनको अरेंज करने कितना वेज आ गया, तो ये 5 प्लस 3 माइनस 1 आ गए, क्योंकि टोटल तीन पार्टीशन थे, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसी को तो हमने ऐसे लिख दिया था कि अगर n कैंडीज हैं और r पार्टीशन है, r पर्संस हैं, तो हम क्या करेंगे, n कैंडीज और r माइनस 1 पार्टीशन डालेंगे, ठीक है। तो इसको अरेंज करने कितने वेज हो जाएंगे, n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये जो मैंने अभी कहानी बताई, सबको समझ आई कि नहीं समझ आई, बताओ। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कल वाला लेक्चर का इनिशियल पार्ट, थ्योरी थ्योरी रिपीट कर दूंगा मैं जल्दी से। बात समझ आई कि नहीं समझ आई, और क्लियर करो जल्दी से। भाई सब लिखा करो यार, मुझे ये समझ ही नहीं आता है किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। ठीक है अब देखो, अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अब ये क्या बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है भाई, देखो ये ऐसा बन गया x1
प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू फाइव, जबकि एक्स आई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो से लेके फाइव तक होना चाहिए, या जीरो से बड़ा बोल दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई जो होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब ये इसको मैं बोलता हूं इस इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन वो निकलेंगे आपके मल्टीनोमियल थ्योरम से। अगर इसमें एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट ही है, ये याद ही रखना है, दिस प्लस दिस माइनस वन, फाइव प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन। तो ये फॉर्मूला ऐसा था, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करोगे यही तो टर्म आएगी, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो ये आपको क्या बताएगा, जो आप नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे हो वो क्या बताएगा कि भाई ये जीरो जीरो फाइव इसका एक वे है, एक सोल्यूशन है। ठीक है, 050 इसका दूसरा सोल्यूशन है, 500 इसका तीसरा सोल्यूशन है, 112 114 113 इसका एक और सोल्यूशन है। तो जितने भी सोल्यूशन पॉसिबल होंगे कितने होंगे वो ये बताया था, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ये फॉर्मूला बताया था, n + r - 1 cr - 1। ये कैसे बताता है वो मैंने आपको कल थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, नहीं भी समझ आया अभी इसके बाद ही आने वाला है वो, तो हम उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो समझ आया नंबर ऑफ इंटीग्रल, यही तो है, देखो यही तो मैं निकालना चाह रहा हूं। यहाँ पे क्या था भाई, पहले ये आपका x1 हो गया पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा हो गया, तीसरा डब्बा हो गया, तो इसमें क्या वैल्यू आ रही है, 005 आ रही है, सम 5 है, 122 सम 5 है, 221 ये सम 5 है। तो ये वाली प्रॉब्लम को आपने तो, अब जो आपकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन आर डिफरेंट बॉक्सेस इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, एम्प्टी बॉक्स अलाउड करने में डब्बा खाली रह सकता है, तो उसको आपने दो प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, एक कैंडी प्रॉब्लम होगी जिसमें हम क्या कर रहे हैं कैंडी में पार्टीशन डाल दे रहे हैं, दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम होगी कि भाई आपने ऐसे लिखा x1 + x2 + x3 = 5 और उससे आपने सॉल्व किया। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये ध्यान में रहेगा ना, n + r - 1 cr - 1, तो बेसिकली ऐसा है कि अगर मेरे पास n कैंडीज हैं और r पर्संस हैं, तो n obviously identical ही लिखना पड़ेगा मुझे, n identical candies हैं and r different boxes, r different boxes हैं आपके persons हैं। ठीक है, मेरे को distribute करना है, distribution करना है if empty boxes are allowed, तो इसकी क्या value आएगी, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, और ये ही जो है ये रिजल्ट आपको ऐसे भी याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टू xr माइनस 1 प्लस xr इज इक्वल टू, अगर n है ये ध्यान रखना है, n राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, तो इसका अगर इसके ऊपर कंस्ट्रेंट है xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या कंस्ट्रेंट है, मतलब सारी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होंगी और इंटीजर होंगी, एंड इंटीजर, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1, ये भी ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने आपको सेक्शन 6 बताया था, मेरे को लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन वो आ कैसे रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 7 पे। अच्छा, अब जो सेक्शन 7 था उसमें क्या था कि उसमें एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं थे, सेम ही स्टेटमेंट था बट उसमें एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं थे, उसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स in r different boxes if empty boxes are not allowed। if empty boxes are not allowed, ठीक है, distribution of n identical objects in r different boxes if empty boxes are not allowed। अब इसमें क्या है, empty boxes नहीं रहेंगे, अब एम्प्टी बॉक्सेस नहीं रहेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो
अब मान लो वही सेम कैंडी प्रॉब्लम बनाते हैं, पांच कैंडी है ठीक है, और अब इनको तीन लोगों में बांटना है, पांच कैंडी सो में तीन लोगों में बांटना है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो आपका पार्टीशन है ना वो यहां पर नहीं आ सकता। जैसे आपने ऐसा डाल दिया, मान लो ऐसे डाल दिया, दो सी दो पी डाल दिए, जैसे तीन लोगों में बांटना है, कितने पार्टीशन डालेंगे ये ध्यान रखना है, दो पार्टीशन डालेंगे, तीन लोगों में बांटना है दो पार्टीशन डालेंगे, दो पार्टीशन डाल रहा हूँ मैं, मैंने एक डाला सी 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 फिर एक डाला फिर सी सी, ये पॉसिबिलिटी, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ हो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन कितना आएगा, पहले डब्बे में जीरो ऑब्जेक्ट्स, दूसरे डब्बे में तीन कैंडीज, थर्ड डब्बे में दो कैंडीज, फिर तो चाहिए नहीं ना हमें, तो इसका मतलब है पार्टीशन आपका ये पहले वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो कहीं और डालते हैं, फिर मैंने एक बीच में डाल दिया, एक एंड में डाल दिया, इसका क्या मतलब हुआ, पहले डब्बे में दो कैंडी, दूसरे डब्बे में तीन कैंडी, आखिरी में जीरो, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि भाई पार्टीशन एंड में जाएगा तो क्या होगा, भाई आखिरी डब्बे में जीरो कैंडी आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो आप पार्टीशन डाल रहे हैं वो कहाँ पे डालना पड़ेगा, बीच में डालना पड़ेगा, तो उसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, एक दो तीन चार, चार ऑप्शंस हैं मेरे पास, चार फोर सी टू इसका आंसर आ जाएगा। चार में से दो जगह पे आप क्या डाल दोगे, पार्टीशन डाल दिया आपने, ठीक है, दो जगह पे पार्टीशन डाला और अरेंज कर नहीं सकते आप इसको, क्योंकि दो पी अरेंज होंगे वन वे से, दो पार्टीशन अरेंज होंगे वन वे से, पांच कैंडीज अरेंज होंगी, फाइव फैक्टोरियल हुआ, फाइव फैक्टोरियल वो भी वन वे हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर, समझ गए। तो पार्टीशन आप कहाँ पे डालोगे, बीच में डालोगे, तो इसलिए हमने बोला कि मान लो हमारे पास एन कैंडीज हैं, एन कैंडीज हैं हमारे पास ठीक है टोटल मिला के, और हमारे पास आर पर्सन हैं, तो हम क्या करेंगे, आर माइनस वन पार्टीशन डालेंगे इन हाउ मेनी प्लेसेस, इन एन माइनस वन प्लेसेस। एन माइनस वन कैसे हो गया, जैसे अगर चार आपकी कैंडीज हैं तो तीन प्लेसेस ही हैं आपके पास, पांच होती हैं वैसे तो, वो दो एंड वाली दो हटानी पड़ेंगी, ठीक है, टोटल एन प्लस वन होते हैं गैप्स, तो दो हटाने पड़ेंगे, पहला वाला एक आखिरी वाला, तो एन माइनस वन गैप्स हो गए हमारे पास, तो क्या नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कैसे आती है, वही आप अरेंज करोगे ना इसको, यहाँ पे गैप आ गया ना आपके पास, सॉरी यहाँ गैप सी तो आपने कर लिया, एन माइनस वन गैप है, उसमें से आर माइनस वन सिलेक्ट कर लो, वहां पे पी को डाल दो, बाकी अरेंज करोगे तो वन इंटू वन आ जाएगा। और ये प्रॉब्लम सेम यही तो है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर सो ऑन टू एक्स आर इज इक्वल टू एन, वेयर एक्स आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वन से बड़ी होनी चाहिए, वन या वन से बड़ी होनी चाहिए, जीरो हो नहीं सकती। तो इस इक्वेशन का जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, हमने ऊपर भी देखा है, बाकी हम मल्टीनोमियल में भी डिराइव करेंगे इसको, ये रिजल्ट याद रखना है, एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये भी याद रखना है अपने को। बताओ भाई यहां तक सबको क्लियर हो गया ये दोनों सेक्शन, कोई ऐसा बच्चा जिसको इनमें डाउट हो तो चैट बॉक्स में बताओ, ऑल क्लियर हो गया तो पेंगुइन बना दो या निंजा बना दो जल्दी से। तो ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये सेक्शन सेवन था, अब सेक्शन एट लिख रहा हूं मैं, ये कल मैंने नहीं पढ़ाया था तो ध्यान से सुनिएगा।
द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज. तो डिफरेंट है चीजें, लेकिन इनको अरेंज भी करना है इनटू आर डिफरेंट बॉक्सेस. इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, अच्छा कोई बच्चा सोच सकता है कि इसमें क्या वैल्यू आएगी इसकी? थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा लो, फिर मैं बता दूंगा. क्या आंसर होगा इसका? एन और आर के टर्म्स में आएगा. इसका मतलब ये हो रहा है कि एन डिफरेंट चीजें आपके पास, आपको उसको ना आठ डब्बों में डालना है. तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि पहले डब्बे में जीरो ऑब्जेक्ट आया, दूसरे में वन आ गया, फिर टू आ गया. तो इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड है कुछ, है ना? इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन से. तो पहले में जीरो आ गया, फिर वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फाइव आ गया, ऐसे करके कुछ आ गया आपके पास. हर डब्बे में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए. बट अब ये क्या है, ये तो अगर आप बस इतना कर देते हो तो इसका मतलब है आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल मान लिया. मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन जब होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कैंडी प्रॉब्लम ही तो है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल मान के वो बताता है. तो इसमें वो डिफरेंट कंसिडर नहीं करेगा. तो बस आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो डिफरेंट के लिए हम क्या करें. आदित्य सही नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, थोड़े सा करेक्शन करो. विधि का सही है एकदम. देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, आपके पास क्या है, बॉक्सेस हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टू xr. इसमें आपको एन डब्बों को डालना है, एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो. अब ये आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये जो बताएगा ये क्या बनाएगा, ये बताएगा जब हम एन थिंग्स को क्या मान रहे हैं, आइडेंटिकल. तो एन थिंग्स को आइडेंटिकल मान के मैं ये कर सकता हूँ. जैसे हम वो नहीं करते थे कि भाई आपके पास एक डब्बा है उसमें क्या करो, तीन ए तीन बी को डालो, तीन ए और तीन बी को पुट कर दो उसमें, और वो बताओ कोई भी रो खाली नहीं रहना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल मान के करते थे, लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करते थे, सेम वही करेंगे. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. बट एन आपने आइडेंटिकल माने हुए थे, हमारे पास तो एन ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन फैक्टोरियल से. तो इस सेक्शन का रिजल्ट ही होगा. सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, बताओ जल्दी से. आगे बढ़ते हैं सेक्शन एट पे. सेक्शन एट था ये, सेक्शन नाइन पे. द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट थिंग्स can be arranged into r different groups r different boxes. Number of ways in which n different things can be arranged into r different boxes can be put into equation, can be put arranged to r. यहाँ पे हमने क्या लिखा था, दिस थिंग्स कैन बी, ठीक है, कैन बी अरेंज इनटू आर डिफरेंट बॉक्सेस
इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, सेम ये वैसे ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है। अरेंज्ड पे लाइन लेना पड़ेगा एंड एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये करना है। क्या रिजल्ट आएगा आप समझ आ ही रहा होगा सबको। अब इसमें ऐसा होगा कि आर डिफरेंट बॉक्सेस हैं, एन वन एक्स वन प्लस एक्स टू। हाँ प्रिंस का एकदम सही है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री सो ऑन टू एक्स आर, दिस इज इक्वल टू एन। यहाँ पे एक्स आई के ऊपर क्या कंडीशन आ गई, वन या वन से बड़ी वैल्यू होगी तो आ जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, बट वो अरेंज भी हो सकते हैं इसलिए एन फैक्टोरियल और आ जाएगा। इनमें ध्यान रखना है, इनमें ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट भी चल रहा है। तो जैसे मान लो अगर एक डब्बे में ए बी है तो उसमें बी ए भी आएगा, वो बी ए वाला केस भी हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर एक डब्बे में ए बी है, मतलब एक डब्बे में ए बी आ गया, तो ए बी और बी ए अलग अलग माने जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, समझ गए ना। तो वो अरेंजमेंट हो रहा है उसका भी। जैसे हमने वो प्रॉब्लम किया था, याद है आपको, कि एक फिंगर है आपके, आपके फोर फिंगर्स हैं और आपके पास से 10 रिंग्स हैं, तो आपको क्या करना है, 10 रिंग्स को 4 फिंगर्स में डालना है और उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि अगर गोल्ड नीचे है फिंगर में और सिल्वर ऊपर है, और सिल्वर नीचे है और गोल्ड ऊपर है फिंगर में, तो वो अलग अलग बात होगी। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही बेटा, साथ में इसमें अरेंजमेंट भी है। जैसे जो नॉर्मल हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें अरेंजमेंट नहीं होता है। जब आप वो करते थे ना कि डिविजन करते थे, डिविजन याद है आपको, आप जैसे 10 लोगों को अगर आप 2, 3, 5 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें अरेंजमेंट नहीं होता है। उसमें तो क्या होता है, ग्रुप डिवाइड होता है ना, तो उसमें तो सिलेक्शन की तरीके से होता है कि आपने एक ग्रुप बना दिया 2 का, एक बना दिया 3 का, एक 5 का, तो उसमें अरेंजमेंट नहीं आता है। यहाँ पे क्योंकि n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो इसमें सारे अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एक और सेक्शन है। The number of possible arrangements. Arrangement का आपको मतलब पता ही है, permutation भी होता है of p objects. Out of n1 objects. Of first kind and 2 object of second kind and 3 objects of third kind and so on to nk objects of nth kth kind. ठीक है, ये प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ p ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, तो हमें पॉसिबल अरेंजमेंट निकालने p ऑब्जेक्ट्स के, आउट ऑफ n1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट काइंड, n2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड, n3 ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड काइंड एंड सो ऑन टू nk ऑब्जेक्ट्स ऑफ kth काइंड। इसका मतलब क्या है, दिस प्रॉब्लम इज सेम एज फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स formed by 4 alphabets of ineffective. याद है ऐसा हमने एक प्रॉब्लम किया था, तो उसमें क्या होता था कि जैसे अब हमारे पास आए एक आए, दो आए आ गए, ठीक है, 3 E आ गए, ठीक है, फिर 2 F आ गए, फिर NCT भी आ गए, ऐसा आ गया ना। तो हम करते थे कि भाई क्या होगा, चारों डिफरेंट होंगे, फिर चारों डिफरेंट से हम सिलेक्शन करते थे पहले, फिर इंटू 4 फैक्टोरियल करते थे, तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स में क्या करते हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल और करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता था, भाई चारों डिफरेंट हो गए,
दो डिफरेंट अलाइक एंड डिफरेंट, हाँ ऐसा ऐसा वाला, वही तो वही 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 प्रॉब्लम है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स फाउंड बाय फोर अल्फाबेट्स ऑफ इन ए वेक्टर, तो आपको वही करना, नंबर ऑफ वर्ड्स फाउंड बाय फोर अल्फाबेट्स, हाँ चार अल्फाबेट लेने हैं, तो उसमें हम करते चारों डिफरेंट, ठीक है, फिर दो डिफरेंट, दो अलाइक, दो अलाइक, दो अलाइक, ऐसे करके जो केसेस बनाते थे सेम वही, हाँ। तो उसके लिए अभी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो जिसमें हम आप ही बता रहा था कि इसका एक शॉर्टकट भी है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो मैं अब आपको लिख के बता रहा हूँ। सो ये होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, बस थोड़ा सा इजी कर देता है उसको, सॉल्व तो करना पड़ता है इसमें भी, कोफिशियंट ऑफ एक्स पी इन द एक्सपेंशन ऑफ ई फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ वन प्लस, अब कहां तक जा रहा था, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो एन वन, एन ऑब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट काइंड के, तो फर्स्ट काइंड को वेरिएबल मान के हम एन तक लेके जाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, सो ऑन टू एक्स रेज़ टू द पावर एन वन बाय एन वन फैक्टोरियल, ये पहली टर्म आ गई, मल्टीप्लीकेशन में है सब, ठीक है। अब जो दूसरा था वो कहाँ तक था, वो एक्स टू, वो एन टू तक था, तो उसके साथ मल्टीप्लाई वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, सो ऑन टू एक्स रेज़ टू द पावर एन टू बाय एन टू फैक्टोरियल, एन टू, ठीक है, एंड सो ऑन टू लास्ट तक आपको जाना है, एक्स की पावर एन के बाय एन के फैक्टोरियल, तो अगर मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें फोर वाला था, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर फोर इन फोर फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ, ठीक है, अब आई कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स बाय वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ये आई के लिए लिख दिया। ई तीन बार आ रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाय वन फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। फिर एफ भी दो बार आ रहा है, तो ये सेम ही लिखेंगे, इसलिए इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। एन एक बार आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स बाय वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब सी टी वी भी एक एक बार आ रहे हैं, तो इसकी पावर फोर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे, और जो आपने उस प्रॉब्लम में सॉल्व करके आंसर निकाला था, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को याद रखना है, इसकी डेरिवेशन हम सोच सकते हैं, इसकी डेरिवेशन जब आप इसको ना, इसको जैसे, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो वैसे मिलेंगे जैसे वहां पे मिलते थे, कि भाई दिस इंटू फोर फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, ऐसे बन जाएंगे वो सारी चीजें, वो बहुत सोच समझ के लिखा गया, शॉर्टकट है। कभी कभी जैसे अगर लेंथी क्वेश्चन आ रहा हो, तो उसमें आप मान लो सात वर्ड का आ जाए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम बना दिए जेई में, सेवन वर्ड्स का बनाओ भाई, अब उसमें केसेस बनाते बनाते हम तक जाएंगे, तो उस केस में फिर हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, बताओ भाई समझ आया यहां तक, ये जितने भी सेक्शन बताए, प्रॉब्लम पे आते हैं, कुछ प्रॉब्लम और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिस्टिंक्ट rings can be worn on five fingers if order is important. Batao bhai answer.
आगे आंसर। हाँ देखो, आप इसको आप ऐसा सोचा करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 10। कोशिश क्या करो ऐसी क्वेश्चन लिखने की, तो क्या होगा ना, फिर कभी गलतियां नहीं होंगी आपसे। हाँ हो सकता है मैंने कराया हो, मैं कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, अगर कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे तो अब मुझे ऐसा ध्यान में नहीं कौन सा कराया कौन सा नहीं कराया। अगर मैंने कल करा दिया था तो दोबारा से सुन लो, ठीक है, इसको नंबर को हटा देते हैं, प्रॉब्लम लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें क्या था कि अब नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिस्टिंक्ट्स कैन बी वॉन ऑन 5 फिंगर्स इफ ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। तो अब क्या करेंगे कि मेरे को एक्स आई जो भी फिंगर है उस पे 0 या 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 प्लस n प्लस r माइनस 1 वाला रिजल्ट लगेगा, 10 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए 10 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 14 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ जाएगा 14 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, इसको हमने वैसे भी समझा था कि भाई मान लो हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 10 रिंग्स हैं, ठीक है, अलग अलग हैं सारी, ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है, ठीक है, ये रिंग 3 है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब जो पहली रिंग है उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, रिंग 1 के पास 5 ऑप्शन रहेंगे, मान लो यहाँ के बैठ गई। अब रिंग 2 के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। रिंग 3 के पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, 7 ऑप्शंस रहेंगे। ऐसे करते करते जो रिंग 10th होगी उसके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 का गैप है, देखो रिंग 2 के पास 6 है, रिंग 3 के पास 7 है, तो इसके पास 14 ऑप्शंस रहेंगे, तो इन सब का प्रोडक्ट हमारा नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। दोनों से अगर आप मैच करा सकते हो, दोनों आंसर सेम ही है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये बताना बेटा, ये कल किया था कि नहीं किया था। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टेन डिस्टिंक्ट बॉल्स टू 8 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सच दैट एट मोस्ट 6 ऑफ देम आर एम्प्टी।
इसमें बेटा डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम कितने, एट मोस्ट सिक्स ऑफ देम आर एम्प्टी, इसका क्या मतलब हुआ सर, दैट एट मोस्ट सिक्स ऑफ देम आर एम्प्टी, तो मैक्सिमम छह एम्प्टी रह सकते हैं, तो मतलब सेवन भी एम्प्टी नहीं रह सकते और ऑल भी एम्प्टी नहीं रह सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ वेज आएंगे वो जाएगा टोटल माइनस, टोटल माइनस एट बॉक्सेस आर एम्प्टी, सबके सब एम्प्टी, माइनस सेवन बॉक्सेस आर एम्प्टी। इजी हो गया आप तो ये क्वेश्चन, ऐसे कर लेना बस। तो टोटल वेज तो कितने होंगे, टेन बॉल्स हैं, एट बॉक्सेस हैं, एक बॉल के पास आठ ऑप्शन है, तो एट की पावर टेन, सारे के सारे एम्प्टी होंगे नहीं, क्योंकि एट की पावर टेन का मतलब ये होता है कि आप सारी बॉल्स को आठ डब्बों में डाल दो, तो सारे के सारे एम्प्टी तो होंगे नहीं, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ रहेगा। सेवन बॉक्सेस कब एम्प्टी होंगे, एट बॉक्सेस है ना, तो जब एट बॉक्सेस हैं, सेवन बॉक्सेस तो एम्प्टी रह सकते हैं, एट बॉक्सेस है मतलब पहले में आपका क्या हो गया, पहला खाली हो, बाकी की एट एम्प्टी कितने रखने, सेवन बॉक्सेस आर एम्प्टी, हाँ मतलब पहले में सारे के सारे चले गए, बाकी सारे एम्प्टी, तो एक केस ही होगा, ऐसे कितने आ जाएंगे, दूसरे में सारे के सारे चले गए तो माइनस एट आ जाएगा, तो ये आंसर होगा एट रेज़ टू द पावर टेन माइनस एट। अब देखो आपने क्या गलत सोचा बताओ, आप बच्चों का आंसर भी इसमें फैक्टोरियल में क्यों आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन में तो अब ये वाला क्वेश्चन इस सेक्शन से तो है ही नहीं, ये तो पुराने वाले सेक्शन से रिलेट कर दिया, जिसमें 10 डिस्टिंक्ट बॉल को 8 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डालने, बस अब उसने साथ में एक कंस्ट्रेंट और लगा दिया कि मैक्सिमम आपके 6 एम्प्टी रह सकते हैं। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज 11 डिस्टिंक्ट पेंसिल्स be distributed among 5 kids if each kid receive at least one pencil. भाई इसका आंसर बताओ, नहीं क्योंकि इसमें रिजेक्ट नहीं कर रहे ना आदित्य, अगर हमने ये बोल रहे, हम ये ऐसा बोल रहे होते कि सारे के सारे बॉक्सेस एम्प्टी हैं तो वो हो ही नहीं सकते ना इस केस में, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जब आप आठ दस बॉलों को आठ डब्बों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वे ये है कि भाई सारे के सारे जो बॉल्स हैं वो डब्बों में जाएंगे जाएंगे, कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जिसमें आपका कोई भी डब्बा सारे के सारे डब्बे खाली हैं, समझिए, मतलब इसमें ये तो है ही कि भाई 10 की 10 बॉल आठ डब्बों में जानी जानी है, कोई रिजेक्ट नहीं हो रही है, तो अगर वो रिजेक्शन वाला केस होता कि भाई सारे के सारे बॉल्स जो है वो एक डब्बे में रिजेक्ट वाले बॉक्स में डाल दिए तो उसको वन मानते ना फिर आप, अब इसका आंसर बताओ। अब इसमें क्या हो गया, देखो पांच किड्स हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, फाइव किड्स हैं और 11 डिस्टिंक्ट पेंसिल्स हैं, तो इनको 11 मिलनी है और सबके पास क्या आनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा आनी चाहिए, तो 11 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 इंटू 11, क्योंकि सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल से उसको आप अरेंज करोगे, तो आएगा 10 सी 4 इंटू 11 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर आएगा 10 सी 4 इंटू 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा बेटा इसमें, वो थोड़ी बच्चों को थोड़ी अरेंज करना है, पेंसिल्स को बांटना है ना बच्चों में, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज मल्टीनोमियल, तो हमारी ये सेक्शन डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाता है।
अब आते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम पे। हाँ उसको कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से मैं इसको ना क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ किड्स डिस्टिंक्ट है बेटा, बट उससे हाँ मतलब आपको तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन जब कर दिया तो उसमें किड्स को थोड़ी अरेंज करेंगे। आपके पास तो ऐसा है ना कि मान लो 6 किड्स बैठे हुए हैं, आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो किड्स को अरेंज नहीं करेंगे ना, हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देंगे। डायरेक्ट रिजल्ट, अभी सेक्शन में रिजल्ट भी तो लिखवाया था, डायरेक्ट ही तो है ना, ये एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल और एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल, डायरेक्ट रिजल्ट है ये तो। चलो अभी 104 हो गया था, 105 देखो। अब ये जो मल्टीनोमियल थ्योरम है, कोफिशिएंट मेथड जो है, ये मैं आपको प्रॉब्लम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना ठीक है, और बार बार फिर मेरे को ना बताना पड़े, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, देखो। इन हाउ मेनी वेज The sum of upper face of 4 distinct dice can be 6. In how many ways the sum of upper faces of 4 distinct dice can be 6? इसमें नोट है, इफ अपर लिमिट इज मोर देन और इक्वल टू सम रिक्वायर्ड, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला। नीचे नीचे, इफ अपर लिमिट इज मोर देन और इक्वल टू सम रिक्वायर्ड, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या करना है आप देखो, आप समझना है सब लोग ध्यान से, इसको मैं डिराइव भी करूंगा। अब देखो सबको स्क्रीन आ रहा है, वॉइस भी आ रही है, कुछ हैंग तो नहीं लग रहा है आपको? सबको देखो एक बार यस बताओ, जिस जिसको स्क्रीन और वॉइस क्लियरली आ रही है। क्लियर। चलो ठीक है, अब सुनो, अब मेरे पास क्या है, 4 डिस्टिंक्ट डाइस है ठीक है, और उसके टॉप फेस को हम देख रहे हैं, और उन टॉप फेसेस पे जो सम आना चाहिए वो 6 आना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 6 ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और जो सारे एक्स आई हैं उन सब के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है कि एक्स आई कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 ओनली इंटीग्रल वैल्यूज ले सकते हैं, डाइस है। अब वो कह रहा है कि अगर जो ये इंडिविजुअल वेरिएबल है x1 x2 x3 x4, इसमें जो ये जो डाइस है इनके जो इंडिविजुअल वेरिएबल की जो अपर लिमिट है वो इसके बराबर या इससे बड़ी हो, अगर इसकी जो अपर लिमिट है वो इससे बराबर या इससे बड़ी हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला।
ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, वही एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन वाला या एन माइनस वन सी आर माइनस वन वाला, ये याद रखना है अपने को कि n plus r minus 1 cr minus 1 कब लगता है, जब xi greater than equal to 0 होता है, n minus 1 cr minus 1 कब लगता है, जब xi greater than equal to 1 होता है, तो इसमें जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल रहा हूं, n minus 1 cr minus 1 लगेगा क्योंकि xi greater than equal to 1 है और अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट इज मोर देन और इक्वल टू दिस टर्म, अपर लिमिट अगर इससे बड़ी या इसके बराबर होती है, राइट हैंड साइड से बराबर होती है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर वो नहीं होगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा जो मैं इसके बाद बता रहा हूँ। तो 5C3 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विच इज 10, सो 10 इज द आंसर। मतलब अब दूसरी चीज आप समझो, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि इसमें आप जो डाइस है ना वो डिस्टिंक्ट होने से क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टिंक्ट अगर हो या ना हो उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये जो प्रॉब्लम है ये इंटीग्रल इक्वेशन वाला प्रॉब्लम है ना, जैसे इसमें ऐसा आएगा 1, 1, 1 और 3 आ गया, ठीक है, ये एक सोल्यूशन लिया जाएगा। अब डिस्टिंक्ट होने से क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टिंक्ट होने से ये फर्क पड़ेगा कि 1, 1, 3, 1 जो है इसको अलग माना जाएगा, अगर डाइस आइडेंटिकल हो जाते ना तो 1, 1, 1, 3 और 1, 1, 3, 1 एक ही होते, उनको अलग अलग नहीं मानते हम, जबकि मैं जो इंटीग्रल सोल्यूशन निकालूंगा उसमें तो ये चार वेरिएबल है, तो उसमें ये सोल्यूशन भी अलग तरीके से काउंट होगा, ये सोल्यूशन भी अलग तरीके से काउंट होगा, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1 को सेम लेके चलना है, अलग लेके चलना है, क्योंकि इंटीग्रल सोल्यूशन वाली इक्वेशन तो इन दोनों को अलग लेके चलेगी ना, क्योंकि 1, 1, 1, 3 इज अ डिफरेंट सोल्यूशन सेट, 1, 1, 3, 1 इज अ डिफरेंट सोल्यूशन सेट, इनफैक्ट 1, 3, 1, 1 इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, तो ये आपको समझ आना चाहिए, वो इंटीग्रल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं ना, ये समझ आना चाहिए हमें, ठीक है। अब मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ, देखो अब जो डेरिवेशन था सेम n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन का भी उसी वे से किया था, n माइनस वन सी आर माइनस वन का वो भी उसी वे से किया था, इसमें समझाना इजी होगा क्योंकि इसमें वैल्यूज थोड़ी छोटी है। तो हम क्या करते हैं, उसको जो मल्टीनोमियल थ्योरम है वो क्या स्टेट करती है कि भाई कोफिशियंट ऑफ, इधर देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर राइट हैंड साइड, x की पावर राइट हैंड साइड इन x की पावर, अब ये जो वेरिएबल है x1 उसकी पावर क्या हो रही है, 1 2 3 4 5 6 ले सकते हो, तो राइट हैंड साइड में यहां पे ले देता हूं, ये है मेरी x की पावर 6, x की पावर 6। अब जो ये वेरिएबल वैल्यू लेगा ना वो पावर में लिखनी है आपको, जो भी ये वेरिएबल वैल्यू लेगा वो किस में लिखनी है, पावर में, तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में ये मैंने ब्रैकेट लिखा हुआ है x1 वेरिएबल के लिए, ऐसे आप x2 के लिए क्या लिखोगे, सेम ही लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, क्योंकि वो भी वेरिएबल सेम ही वैल्यू ले सकता है, ये ब्रैकेट मैंने किसके लिए लिया, x2 के लिए, फिर ऐसे मैं x3 के लिए भी सेम ही ब्रैकेट लिखूंगा, x4 के लिए भी सेम ही ब्रैकेट लिखूंगा, सेम ही तो आएंगे क्योंकि उनकी भी जो आउटपुट है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं अब ये लिख सकता हूँ कोफिशियंट ऑफ x की पावर 6 इन x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 2, x रेज़ टू द पावर 3, x रेज़ टू द पावर 4, 5, 6, ठीक है, होल रेज़ टू द पावर 4, ये लिख दिया हमने। अब इसका सॉल्यूशन देखना वो सेम ही आएगा अगर आप सही से सॉल्व करते हो, तो अब मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट x पावर 6 n, यहाँ से x पावर 4 कॉमन आ गया, ये डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि सम ही लिख देते ना जीपी का, क्या सम आएगा, a into 1 minus x की पावर 1 minus r की पावर n upon 1 minus r होल पावर 4, ये आ गया, ठीक है। अब उसके पीछे का लॉजिक सुनो, देखो कुछ बच्चों को समझ आएगा, मान लो x की पावर 7 होता है, x की पावर 8 होता ना, तो इसके आगे आप कुछ भी बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये कम हो जाता ना x की पावर 5 या x की पावर 4 तक जा रहा होता तो यहाँ पे 1 माइनस x की पावर 5 आता, तो वो इसके कोफिशिएंट को चेंज करता, बट यहाँ पे अगर x की पावर 7 आ जाए, x की पावर 8 आ जाए, x की पावर 9 आ जाए, तो इसके कोफिशिएंट को चेंज नहीं करेगा वो, तो क्योंकि भाई आपको तो x की पावर 6 चाहिए ना, तो ये ब्रैकेट की होल पावर 4 चाहिए मेरे को, बात समझ आएगी नहीं समझ आएगी, सम लिख दिया ना जीपी का, a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r, तो अब मेरे को हो गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन, ऐसे लिख सकते हो कोफिशिएंट x की पावर 2 इन 1 minus x की पावर 4 into 1 minus x की पावर minus 4, ये ऐसे लिख दिया, वो x की पावर 4 कट जाएगा बेसिकली ना, x की पावर 4 कटेगा, x की पावर 6 से तो x की पावर 2 आ जाएगा, एक ही बात है x की पावर 4 into समथिंग में अगर आप x की पावर 6 निकाल लो तो वो जो समथिंग है उसमें x की पावर 2 चाहिए होगा आपको। अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन, इसको सॉल्व करोगे तो इसमें तो क्या होगा, सारी पावर्स x की पावर 2 से बड़ी आएंगी तो 1 ही लेंगे, इसको लिख देते हैं 1 प्लस 4c1 x प्लस 5c2 x स्क्वायर प्लस 6c3 x क्यूब प्लस सो ऑन, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, x स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है 5c2 व्हिच इज 10 ओनली, 5
IC2 is 5C3 only. तो ये हमारा इधर भी 10 आया था, उधर भी 10 आया था. अब बताओ भाई, समझ आया नहीं समझ आया? किस किस को ये मेथड क्लियर हो गया मैंने क्या किया है? जिसको क्लियर हो गया जल्दी से लिखो बेटा, ऑल क्लियर करो, पेंगुइन बनाओ. जिसको नहीं क्लियर हुआ वो भी बताओ. कोफिशिएंट मेथड में ये करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर राइट हैंड साइड इन जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू ले सकते हैं, 1 + x + x² + x³, वो उसकी पावर में लगाते रहना है. अच्छा हाँ, अब ये मैं बता देता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, सुनो. इधर देखना एक बार, अच्छा अब ये आ कैसे रहा है, वो जो सोल्यूशन है वो आ कैसे रहा है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ ना. देखो इधर ध्यान से, ये चार टर्म है हमारे पास, चार वेरिएबल वाली टर्म थी, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो अब जैसे मेरे पास, मेरे को क्या निकालना है, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने है, मतलब मैं ये नंबर ऑफ वेज निकालना चाह रहा हूँ ना, कितने वेज होंगे, ठीक है. तो जैसे एक सोल्यूशन मान लेते हैं इसका आया, इस इक्वेशन का, जो हमारी इक्वेशन है x1 + x2 + x3 + x4 = 6, वेयर xi वेरीज फ्रॉम 1 to 6, ठीक है. अब एक सोल्यूशन आपके पास इस इक्वेशन का आया, मान लो 1 1 1 3. अब वो जो 1 1 1 3, ये एक वे कंसिडर होगा, ठीक है. तो अब आप देखना x की जो, अब ये जो सोल्यूशन है ना, ये बेटा इसकी पावर में बैठा हुआ है. x की पावर 1 आया, यहां से x की पावर 1 आया, यहां से x की पावर 1 आया, यहां से x की पावर 3 आया, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, x की पावर 6 देगा. उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 सोल्यूशन हो गया, समझ रहे हो. अब मान लो दूसरा सोल्यूशन लिखते हैं 1 3 1 1, ये सेकंड सोल्यूशन है. अब ये कैसे आएगा, इधर से 1 उठा, इधर से कौन सा उठेगा, 3 उठेगा, इधर से 1 उठेगा, इधर से फिर 1 उठेगा, तो ये एक सोल्यूशन आ गया. तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा भाई, एक और वे हो गया. अब मान लो आपने ये उठाया 2 2 2 0, ये आ सकता है, ये आएगा ही नहीं क्योंकि x बार 0 है ही नहीं कहीं पे भी, तो ये आएगा ही नहीं इसमें सोल्यूशन, क्योंकि x बार 0 है ही नहीं फोर्थ टर्म में. तो मान लो आपने ये उठाया 2 2 1 1, अब 2 2 1 1 कैसे आएगा, यहां से क्या पिक होगा, 2 पावर, पावर पिक होगी x बार 2, यहां से क्या पिक होगा, पावर 2, यहां से क्या पिक होगा, x1 x1, ये सब मल्टीप्लाई होंगे, कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, तो इसलिए 1 है, 1 वे. तो ये इस तरीके से ये आपको सोल्यूशन दे रहा है. तो जो आपकी वैल्यूज इंटीग्रल सोल्यूशन है वो एक्चुअली में पावर में बैठी हुई है यहाँ पे, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी वेरिएबल वैल्यू पावर में लिख दे रहे हैं और उसी का कोफिशिएंट सर्च कर ले रहे हैं. देख रहे हो बाइनोमियल थ्योरम का कितना अच्छा यूज है इसमें. अब थोड़ी सी खोपड़ी चल रही है सबकी, जिस जिसको क्लियर हो गया और क्लियर करो भाई जल्दी से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाएगा समझ. जिसको नहीं भी आया कोई घबराना नहीं, इसके इतने क्वेश्चन है ना, आपको अपने आप ही समझ आने लग जाएगा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
In how many ways can three persons ABC having 6-1 rupee coin and 8-1 rupee coin respectively donate 10 rupee coin? In how many ways can three persons ABC having 6-1 rupee coin, 7-1 rupee coin and 8-1 rupee coin respectively donate 10 rupee coin collectively? अच्छा, इसका क्या मतलब है कि एक बंदा है, मान लो तीन लोग हैं एबीसी। अब एक बंदे के पास 1 रुपए के 6 कॉइन है, दूसरे बंदे के पास 1 रुपए के 7 कॉइन है, तीसरे बंदे के पास 1 रुपए के 8 कॉइन है। तो अब वो क्या चाहते हैं कि भाई वो मिलके 10 रुपए डोनेट करना चाहते हैं किसी एक मंदिर को, मान लो, या बैगर को, एक मान लो कि किसी एक बैगर है उसको वो 10 रुपए देना चाहते हैं मिलके। ठीक है, तो अब कितने वेज से वो दे सकते हैं वो हमें निकालना है। करो, एक बार ट्राई करो, देखो। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि क्या था कि अगर आपकी जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है तो ही आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें कोफिशिएंट मेथड लगाओ। एक बार कोफिशिएंट मेथड लगेगा, मतलब डिराइव करके जैसे हम कर रहे हैं ना, वैसे आंसर निकलेगा। तो एक बार ट्राई करो, जल्दी से एक बार स्टेटमेंट लिखो, मैं फिर 1 मिनट के बाद मैं लिख रहा हूं। हाँ, ये अब देखो बेटा, मान लो तीन दोस्त जा रहे हैं एबीसी, तो ये आपको अब कॉमन सेंस लगाना है कि भाई तीन दोस्त जा रहे हैं तो 6-1 रुपी कॉइन है, 7-1 रुपी, अब उनको टोटल तीनों को मिलके 10 रुपए देने हैं। तो उनमें से हो सकता है कि एक आधा कंजूस हो, वो बोले भाई नहीं, मैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो ये तो टोटल तीनों को देने हैं, तो उसमें कोई 0 भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई पहले वाले ने 0 रुपये दिए बट बाकी दोनों ने मिलके 10 दे दिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट तीनों 0 तो आएंगे नहीं सॉल्यूशन में। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई 2 0 करते हैं, क्योंकि 2 0 करोगे तो 10 ही नहीं हो पाएगा। तो किसी ना किसी को तो डोनेट करना ही पड़ेगा, एक मतलब 0 डोनेट कर सकता है, मतलब एक कोई भी एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसने कुछ भी डोनेट ना किया, वो आपकी ना इक्वेशन ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेगी। आप टेंशन मत लो, वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन टेक केयर कर लेती है, बस आप एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करो इसको। एक बार बस स्टेटमेंट लिखनी है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो आप बताना कि आपने सेम ऐसी लिखा कि अलग लिखा। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो। अब तीन बंदे हैं जो 10 रुपए डोनेट करना चाहते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब जो x1 है उसके पास कितने रुपए हैं, वो 0 भी डोनेट कर सकता है, तो वो 0 से लेके कितने डोनेट कर सकता है, 6 तक डोनेट कर सकता है। तो अंडरस्टूड एंड टीचर सॉल्यूशन आएंगे। देखो, जब रुपया डोनेट कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको समझ आ रहा होगा कि जब आप रुपया डोनेट कर रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने एक डोनेट कर, मतलब हाफ डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं होगा ना। तो 1 रुपये का कॉइन है वो और फर्दर ब्रेक नहीं होगा, तो इंटीजर सॉल्यूशन ही आएंगे। तो 0 to 7 हो गया, ठीक है, x3 जो हो गया वो 0 to 8 हो गया।
तो 0 to 6, 0 to 7 एंड 0 to 8 ये हो गया जी। इधर समझ आ गया? ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर और इससे बड़ी नहीं है, इसलिए आप अब डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मान लो यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे 15 होता, यहाँ पे 18 होता, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लगा देते 10 + 3 - 1 C3 - 1, उसके इसमें ये आंसर आ जाता। तो अब मैं लिख रहा हूँ कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन एक्स। अब ये एक्स वन का जो वैल्यूज है वो पावर में जाएंगी, तो x की पावर 6 तक लिख दिया इनटू। अब दूसरा जो x2 है उसकी पावर भी किस में जाएंगी, उसकी सॉरी वैल्यूज किस में जाएंगी, पावर में जाएंगी, तो ये लिख दिया इनटू। तीसरा जो होगा x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, वो x की पावर 8 तक जाएगा। इतना कितने बच्चों ने लिख दिया था, कितने बच्चों ने ये लिख दिया था? चैट बॉक्स में लिखो यस। हाँ, अवनी ने लिख दिया, ठीक है। नमन तुमने भी ये लिखा था? नमन तनिषा? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसने ये लिख लिया मतलब उसको समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है उसके जीवन में और पीएनसी में भी क्या चल रहा है। ठीक है, चलो अब ये लिख दिया, अब अपने को सॉल्व कर देना है बस। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 7, 1 माइनस एक्स की पावर 8, 1 माइनस एक्स की पावर 9 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बायनोमियल का क्वेश्चन हो गया अभी। कोफिशिएंट एक्स की पावर 10 n, इनको पहले तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स की पावर 7 या जगह 1 माइनस एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 17 चाहिए नहीं होगा क्योंकि वो तो एक्स की पावर 10 तक चाहिए हमें, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। कोफिशिएंट एक्स की पावर 10 n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स 9। ठीक है, 1 से मैंने मल्टीप्लाई, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स 9, फिर माइनस एक्स 7, और इससे हायर पावर हमें नहीं चाहिए। अब इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 सी 1 एक्स प्लस 4 सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 सी 3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन, अब क्या आएगा, एक्स की पावर 10 का देखना है, तो एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 इनटू एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट, तो x की पावर 10 का आ जाएगा सी 10, और इसमें 2 का गैप है, देख रहे हो, 1 है तो 3 है, 2 है तो 4 है, आपको बताया तो 12 आएगा। माइनस x की पावर 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2 के साथ, तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट 4c2। x की पावर 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, तो उसका आ गया 3c1। x की पावर 7 xc3 के साथ -5c3, बस ये हो गया। यहां पे x की पावर 10 ये x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये x से मल्टीप्लाई होगा, ये x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 12c10 is 12 × 11/2 -6 - 3 - 10, तो ये आ जाएगा 66 - 16 - 3, तो 47 इज द आंसर। बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? ऑल क्लियर करो। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं। नाउ मेनी वेज 15 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स, be distributed among six beggars such that
everyone gets at least one blanket. And two particular beggars get equal blankets. And another three beggars get equal blankets. अब आपको क्या करना है ना, इसकी इक्वेशन बना के इक्वेशन आंसर में लिखनी है. चैट बॉक्स में इक्वेशन लिखो बस, फिर बाकी मैं सॉल्व करूंगा. इन हाउ मेनी वेज 15 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स है हमारे पास, तो 15 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 बैगर्स में. तो 6 बैगर है अपने पास, एवरीवन गेट्स एटलीस्ट वन ब्लैंकेट, इसका मतलब है हर किसी को कम से कम एक ब्लैंकेट मिलना चाहिए. ठीक है, टू पर्टिकुलर बैगर्स गेट इक्वल ब्लैंकेट, दो जो लोग हैं उनको एक जैसे मिलेंगे, मतलब मान लो एक को दो मिले तो दूसरे को भी दो मिलेंगे. Another three जो है उनको एक जैसे मिलेंगे, मतलब उन तीनों को मान लो तीन 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 मिले ऐसे करके. ठीक है, इक्वेशन लिखो जल्दी से और चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ. नहीं बनी किसी भी क्वेश्चन, देखो चलो मैं बता रहा हूं. अब मान लो हमारे पास जो बैगर्स हैं, 6 बैगर्स हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और B6. दो को एक एक इक्वल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स चाहिए, तो उसको मान लेते हैं A और A इसको मिले. ठीक है, अनदर तीन को इक्वल मिले, B, B, B मिला और इसको फिर C मिला. ठीक है, और ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल 1. तो क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2A. ठीक है, तीन को इक्वल मान लेते हैं ना, ऐसे मान लेते हैं, ए तीन मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3A प्लस 2B प्लस सी इज इक्वल टू, कितने ब्लैंकेट्स हैं हमारे पास, 15. एंड ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 1, तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 1, बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 1, सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 1, ये बनेगा.
ये बात समझ आई मैंने क्या लिखा हुआ है? मैं आपको ये क्वेश्चन लिखने को तो कह रहा था 3a plus 2b plus c equal to 15, ये लिखने को कह रहा था, उसके बाद तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अब समझ आया कि भाई तीन बैगर को इक्वल ब्लैंकेट मिल रहे हैं, तो a a a मिले, अब a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसा करके b4 b5 को इक्वल मिलेंगे, और c जो आखिरी वाला एक बैगर है उसको c नंबर मिलेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15, अब ध्यान से देखना, इन अब यहां पर क्या आएगा, x की पावर 3 आ सकता है। अब ये जो टर्म है इसको जब आप पावर में लिखोगे तो x की पावर 3 आ सकता है, क्योंकि a की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। फिर x की पावर 6 आ सकता है, आप समझ रहे, x की पावर 6 क्यों आएगा, जब a 2 होगा तो पावर में क्या आएगा, x की पावर 6। तो इस पूरी टर्म को अगर मैं एक वेरिएबल मान रहा हूं, तो x की पावर 3 आएगा, x की पावर 6 आएगा, x की पावर 9 आएगा, x की पावर 12 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, x की पावर 2 आएगा, x की पावर 4 आएगा, x की पावर 6 आएगा, x की पावर 8 आएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वाले में x की पावर 1 आएगा, x की पावर 2 आएगा, x की पावर 3 आएगा, प्लस सो ऑन। इतना क्लियर हो गया? आप देखो ना, ये पूरी एक ही तो टर्म है, तो इसमें वैल्यूज क्या क्या आ सकती है। अब इंटीजर सॉल्यूशन इस 3a का क्या क्या आएगा, या तो 3 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा, 12 आएगा, वो हमने लिख दिया। हमें तो फाइनली क्या है, हमें तो क्वेश्चन का नंबर ऑफ वेज निकालने में, तो हमें नंबर ऑफ वेज ही तो निकालने हैं हमें, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 n। अब इसका सम कितना आएगा, अब देखो वैल्यू जो इसकी वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो 15 तक तो पहुंच ही सकती है, तो इसके बराबर और इससे बड़ी हो सकती है वैल्यूज सॉल्यूशन में, तो इससे बड़ी आएगी नहीं, तो इसके बराबर तो हो ही सकती है, उस पर कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, इसलिए आप इसको इन्फिनिटी तक भी ले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r। बट हाँ, इसमें देखो, इसमें रिजल्ट लगाने से आपको फायदा नहीं है, जीपी का रिजल्ट लगाने से फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पास ना दोबारा से वही बन जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r लिखोगे तो 1 माइनस x क्यूब की पावर 1 माइनस 1 आएगा, वो दोबारा से यही सीक्वेंस आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, रुको, तो कहां तक लिख लेते हैं, x की पावर 15 सर्च करना है ना हमें, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 n, x की पावर 3 काम करते हैं, यहां से x की पावर 3 निकालता हूं, मैंने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 n, x की पावर 3 निकालूंगा तो 1 प्लस x क्यूब प्लस x6 प्लस x9 प्लस x12 तक लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां तक ही x15 आएगा, यहां पे x स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 प्लस x6 प्लस x8 प्लस x10 प्लस x12 प्लस x14 चाहिए नहीं होगा, क्योंकि वो x16 देगा, यहां से x इंटू 1 प्लस x प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते x14 तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये देखो इसमें डिग्री कम हो गई, ये डिग्री हम उधर हटा सकते हैं ना, क्योंकि ये बनेगा x की पावर 6, तो हम x की पावर 9 का ही सर्च करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9n, अब 1 प्लस x क्यूब प्लस x6 प्लस x9 तक ही लिख देते हैं, इसके आगे वाली टर्म काम की नहीं है, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 प्लस x6 प्लस x8 तक लिख देते हैं, इसके आगे टर्म काम की नहीं है, 1 प्लस x प्लस x2 सो ऑन टू x9 तक लिख देते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बस क्वेश्चन खत्म है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9n तो आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 प्लस x6 प्लस x8, x10 चाहिए नहीं, x क्यूब फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस x क्यूब भी आएगा, वो ऊपर लिख देता ना यहाँ पे ना, क्योंकि ऑड पावर बनेगी, एक्स क्यूब, फिर x5 आएगा, वो भी अभी तक नहीं है, प्लस x7 आएगा, ठीक है, प्लस x9 आएगा, उसके आगे वाली टर्म नहीं चाहिए हमें, ठीक है, फिर x6 से मल्टीप्लाई किया तो x6 के नीचे x6 लिख देता हूँ, फिर x6 इंटू x8 भी लिख देता हूँ, x10 नहीं चाहिए, 12 नहीं चाहिए, ठीक है, प्लस फिर एक x9 चाहिए मुझे ना, x9 मल्टीप्लाई होगा, x11 नहीं चाहिए, और साथ में आ जाएगा 1 प्लस x प्लस x2 सो ऑन टू x9। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9n 1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस 2 ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं, 1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस 2x6 प्लस x7 प्लस 2x8 प्लस 2x9, ये टर्म आ गई, ठीक है, इन मल्टीप्लीकेशन विद 1 प्लस x प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1, x2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x नहीं है क्या हमारे पास, x नहीं था कहीं पे भी, ठीक है, तो x2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x पावर 7 से, सॉरी, तो x पावर 7 से फिर ये 1 दे देगा, x3 x6 से 1 दे देगा, x4 x5 से 1 देगा, ये 2 दे देगा, x7 x2 से 1 देगा,
और 2x8 x के साथ 2 दे देगा और ये 2 और आ जाएगा. क्या वैल्यू बन गई? 1 2 3 4 5 6 और 6 12. 12 इज द आंसर. सो 12 इज द नंबर ऑफ वेज. बताओ भाई कोई दिक्कत है तो. सबको यहां तक समझ आएगी? नहीं समझ आया बताओ जल्दी से. ऑल क्लियर कर दो भाई सब लोग. ठीक है आज के लिए इतने करते हैं, कल आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे. कल मल्टीनोमियल में हमारा टाइम जाएगा काफी, इसके काफी और क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे डी अरेंजमेंट है और कुछ और छोटे मोटे टॉपिक हैं. तो इस हफ्ते में हम खत्म कर देंगे. ये जो आपका सैटरडे को टेस्ट आएगा उसमें पीएनसी कंप्लीट आएगा. ठीक है तो आप प्लीज अपने असाइनमेंट करते रहें. जो भी बच्चे मुझे डाउट भेज रहे हैं मैं उनको सोल्यूशन भेज रहा हूँ जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है. ठीक है तो आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं और जैसे ही आपके सबके डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है चलो हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. कल मिलते हैं. अच्छा आज इवनिंग में भी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की तो वो भी आप देख लीजिएगा. 2 to 3 आई गेस कैलेंडर में मिल जाएगा आपको.